इस वीडियो में बात करेंगे एचयूएल शेयर के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर में 2.42% की तेजी यहाँ पर नजर आया रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में, अगर हम बात करें 27 सितंबर को। और फिलहाल अभी के टाइम में दोस्तों अगर हम बात करें तो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो भी आप यहाँ पर देखेंगे कि 4475 पर ट्रेड कर रहा है। और मैंने पिछले कुछ वीडियो से लगातार मैंने आपको वो लेवल भी बताया है जहाँ से आपका फ्रेश एंट्री बन सकता है, जहाँ से तेजी आने के काफ़ी चांसेस हैं, वो लेवल मैंने आपको बताया हुआ है। और इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, और लगातार ये किस रेंज में ट्रेड कर रहा है वो भी मैंने बताया हुआ है। सारी चीज़ें इसी वीडियो में भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हो, नहीं जानते हो, नहीं देखे हो मेरा पिछले वीडियो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और किसी भी तरह की मैं आपको जानकारी दूँ तो आपको पता चल जाए सारी चीज़ें एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो 2.42% की रिसेंट परफॉर्मेंस हमें शेयर में देखने को मिला, 4475 पर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए मेन बात है कि किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो वहाँ पे करना क्या है कि आपको देखना क्या है, तो कंपनी काम क्या कर रहा है, किस सेक्टर में काम कर रहा है, और अपने सेक्टर का टॉप स्टॉक है या फिर क्या है, और कंपनी का फंडामेंटल। नो डाउट कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, आपको पता है कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो भी, मतलब देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जितना कैश पड़ा है उससे काफ़ी कम का कैश, मतलब कर्ज कंपनी के ऊपर पड़ा है। कुछ 49 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्ज है और 20,000 करोड़ से भी ऊपर कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। उसके बाद वैल्यूएशन भी उतना हाई नहीं है, 36.4 का है, इतना ज़बरदस्त तेजी आया था उसके बाद भी वैल्यूएशन 100 और 200 का पी नहीं गया, तो कह सकते हो कि मतलब अंडर वैल्यूड तो नहीं कहेंगे बट फिर भी वैल्यूएशन ठीक ठाक नज़र आ रहा है हमें। उसके बाद बड़ी कंपनी नज़र आती है आपको, ROC और ROE काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड भी कहीं ना कहीं मिलता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर डेट फ्री स्टॉक भी है। अपने सेक्टर का एरोस्पेस एंड डिफेंस में टॉप 1 में कंपनी है, तो ये सब सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। अब आपको इंतजार किस चीज़ का है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो थोड़ा करेक्शन, और करेक्शन भी यहाँ पे हमें काफ़ी देखने को मिल गया है। अगर देखा जाए तो जहाँ पे अपना ये हाई लगाया था उससे 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा करेक्शन नीचे आपको दिख रहा है अभी शेयर, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। और कंपनी यहाँ पे मेन बात है कि लगातार प्रॉफिट भी करता हुआ आ रहा है। कंपनी आप देखिए क्वार्टर का रिजल्ट पिछले ईयर इसी क्वार्टर के मुकाबले अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले रिजल्ट थोड़ा कम आया हुआ है, वो अलग की बात है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या नज़र आता है क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर में, तो उसको लेकर क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर को लेकर अगर प्रेडिक्शन की अगर हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक का जो होल्डिंग है ये आपको इंक्रीज़ होता हुआ कहीं ना कहीं दिख सकता है। बिकॉज लगातार जो डिलीवरी में उठाया जा रहा है क्वान्टिटी वो काफ़ी ज़बरदस्त उठाया जा रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो पब्लिक का होल्डिंग भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता हुआ हमें दिख सकता है, वो अलग की बात है। और इस बार दोस्तों अगर हम बात करें क्वार्टर का रिजल्ट, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें ये भी काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाए, बिकॉज इधर ऑर्डर रिसीव होता हुआ भी दिखा, अलग की बात है, ऊपर से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत यहाँ पे चल रहा है, तो वो भी अगर कुछ यहाँ पर देखने को मिल गया तो कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा लगातार हमें कुछ परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिल गया है। अगर इस बार क्वार्टर का रिजल्ट अगर इससे अच्छा हो गया तो फिर कह सकते हो कि एक और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है कंपनी में यहाँ पे शेयर में। अब देखिए क्या होता है, उससे पहले बात करें यहाँ पे थोड़ा मतलब लेवल्स क्या बन रहा है अगले ट्रेडिंग सेशन में उसके ऊपर बात कर लेंगे। उससे पहले रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे मैंने क्यों कहा कि इस बार पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा इंक्रीज होते हुए दिख सकता है, बिकॉज लगातार काफ़ी ज़बरदस्त डिलीवरी उठाया जा रहा है। 59.53%, मतलब यहाँ पर लगभग 60% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिला है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब जितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ उसमें से इतना क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा जो कि लगभग 59% से भी ऊपर है, 59.5% से भी ऊपर, 60% से थोड़ा सा नीचे, 59.53% डिलीवरेबल क्वांटिटी केवल हमें देखने को मिला जो कि काफ़ी बड़ी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेवल्स के बारे में कि लेवल्स क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम देखें यहाँ पे, अगर हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप किस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेवल्स जो सबसे पहला रहने वाला है, मैं 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा लेवल कहीं ना कहीं आप ध्यान दे सकते हो। सबसे पहले अगर गिरावट यहाँ पे होता है तो 4400 एंड कुछ, ये जो लेवल आप देख रहे हो 4430 के आसपास लेवल आप ध्यान दीजिएगा। इसको अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में 4398 यानी 4400 के आसपास, और इसको भी अगर ये ब्रेक कर देता है डाउन साइड में तो फिर जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है कहीं ना कहीं 4358 यानी 4360। तो ये कुछ डाउन साइड के तीन लेवल है। अपसाइड में अगर तेजी दिखने में मिलता है तो सबसे पहला 4520 के आसपास लेवल जो है, मैं फिर इसको ड्रॉ कर देता हूँ 4520 के आसपास,
इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल मैं बताता हूँ आपको कौन सा लेवल। ये कुछ लेवल्स वगैरह है जो आप ध्यान दे सकते हो आने वाले टाइम में, कुछ 4,500 एंड 4,600 के आसपास लेवल्स वगैरह है जो आप ध्यान दीजिएगा आने वाले टाइम के लिए। ये 4,600 का लेवल है, बट नेक्स्ट लेवल रह जाएगा 4,520 के आसपास, और उसको ब्रेक करता है तो 4,000 पूरा 500 का लेवल आप ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आप अगले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान दे सकते हो अगर हम बात करें यहाँ पे इस एचएल में। बाकी आपने कितने के प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया है और कितने के लॉस या फिर प्रॉफिट में चल रहे हो बताना चाहो तो नीचे कमेंट, और मैं आपको कुछ सजेशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। चलिए आज के लिए कुछ इतना ही, कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।